हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुकी थी रीडिंग, इसके नोट्स की फाइल, ये लास्ट पार्ट जो है इसके नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे आज ही क्लास में। हम टोबा तक के नोट्स वाटर कंजर्वेशन वाले कंप्लीट कर चुके हैं, आपने उनका वर्क कर भी लिया होगा। आगे अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वही कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। या आप सिंपल हेडिंग डाल लीजिए, कोल कंजर्वेशन ऑफ कोल हेडिंग डाल लीजिए पहले। इसमें आप सबसे पहले कोल के बारे में लिखेंगे, कोल हेडिंग डालकर यहाँ से लिखेंगे, कोल इज़ ए सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, नियर अबाउट 30-40% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज ऑब्टेंड फ्रॉम कोल एंड द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन इज डिफरेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ कोल, फ्रॉम कोल अदर कम्बशल मैटर इज ऑब्टेंड। ये आप यहाँ तक लिख लेंगे, इसको आप इम्पोर्टेंस ऑफ कोल के हेडिंग डालकर लिख लेंगे इस पार्ट को, इम्पोर्टेंस ऑफ कोल या यूजेज ऑफ कोल, एडवांटेजेस ऑफ कोल, कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये पैरा लिख के आ जाएंगे यहाँ तक ऑब्टेंड तक। तो पहली आपकी हेडिंग आ जाएगी इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। उसके बाद सेकंड हेडिंग आप डालोगे फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल में आप यहां से लिखना चालू करोगे, कोल इज द रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिफोर अराउंड 30 करोड़ ईयर्स लैंड वाज फिल्ड विद ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज, वेजिटेशन विच फेल इन वाटर वर कवर्ड डीप बीनिथ द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस डिकेड प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। कोल एज मेनली कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन इट कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ऑल्सो। तो आप कन्वर्टेड इनटू कोल तक तो फॉर्मेशन ऑफ द कोल में लिख लोगे, उसके बाद आप लिखोगे कंपोनेंट्स ऑफ कोल, कंपोनेंट्स ऑफ कोल इसमें आप ये लिख लोगे, अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन इट कंटेन्स नाइट्रोजन सल्फर, यहाँ से कोल हैज़ मेनली कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन इट कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस एंड सम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यहाँ तक आप इसमें इसको लिख लोगे थर्ड हेडिंग में कंपोनेंट्स ऑफ कोल में। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ कोल उसमें आप यहाँ से लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन क्वांटिटी कोल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर टाइप्स और कैटेगरीज, एंथ्रेसाइट ब्रैकेट में परसेंटेज लिखोगे, बिटुमिनस लिग्नाइट पीट एज इट इज आप इसको लिख लोगे, ये फोर्थ हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये हेडिंग आप डाल लोगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। उसमें आप ये यहाँ से विदाउट द प्रेशर ऑफ द एयर व्हेन कोल इज हीटेड एट डिग्री सेंटीग्रेड देन बिटुमिन कोल गैस एंड अमोनिया आर ऑब्टेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। उसके बाद लास्ट लाइन में आप एक एरो बनाकर अलग से लिख दोगे, इन इंडिया कोल इज़ फाउंड इन झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये आपका कोल का पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको कोल के पार्ट से। नेक्स्ट आपका आता है पेट्रोलियम, अगली हेडिंग डालेंगे पेट्रोलियम, इसमें आप यहाँ से लिखोगे पेट्रोलियम इज, इसके बाद ये पूरा काट दोगे, ए वेरी इम्पोर्टेंट से लेकर डेली लाइफ से लेकर इस तक का ये काट दोगे आप, पेट्रोलियम इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल जस्ट एज कोल, ये आप लिखोगे, इट इज़ आल्सो मेड ड्यू टू वेजिटेशन एंड डेड एनिमल्स क्रश्ड अंडर द लैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दीज क्रश्ड एनिमल्स ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम, ये आप पेट्रोलियम में लिख लोगे। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, देन आप हेडिंग डालोगे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल स्लैश
अनप्योरीफाइड और स्लैश रॉक ऑयल, ये तीनों आप एडिंग डालोगे, क्रूड ऑयल, अनप्योरीफाइड और रॉक ऑयल। सो ऑयल फाउंड इन नेचुरल फॉर्म इन रॉक्स इज नोन एज क्रूड ऑयल, अनप्योरीफाइड और रॉक ऑयल। इसमें ये लिखोगे फिर आप, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड ए कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ये आप इस हेडिंग में लिख दोगे, यहाँ से लेकर ऑयल फाउंड से लेकर कंपोनेंट तक, इसमें क्रूड ऑयल में और अनप्योरीफाइड ऑयल में। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे थर्ड, डिफ्लिगमेशन मेथड। ये हेडिंग डालने के बाद आप इसमें लिखोगे, इट इज़ की जगह लिखोगे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड, इट की जगह आप क्या लिख दोगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाई डिफ्लिगमेशन मेथड, बाई डिफ्लिगमेशन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट, ETC आर ऑप्टेन। अब यहाँ जो ये सारे लिखे हुए हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, इनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। तो आप जब इनको लिख लो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट, इनके बाद ETC के ब्रैकेट में आप एक बात और लिख देना, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं इनको अपन, पेट्रोकेमिकल्स। क्वेश्चन अगर आ जाए कभी कोई पेपर में कि व्हाट आर द पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो आपको ये लिख के आने, ये चीज़ें मिलती हैं हमें पेट्रोलियम से। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे बायोडीजल। बायोडीजल में आप हेडिंग लिखोगे, इससे पहले बायोडीजल से पहले आप ये लाइन स्टार मार्क करके लिख लेना, कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर फॉसिल फ्यूल विच आर नॉन रिन्यूएबल मिनरल। यहाँ ये नॉन रिन्यूएबल याद करने की बात है, वो आपसे पूछ सकता है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर विच टाइप ऑफ फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल तो हैं लेकिन वो ऑप्शन में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नाम से दे सकता है, तो आपको क्या लिखना है, नॉन रिन्यूएबल। तो ये बस याद करने, अगर आपको याद रहे तो इसको मत लिखना, नहीं तो ये लाइन स्टार मार्क करके लिख लेना, पर एक एक नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे बायोडीजल, तब आप लिखोगे बायोडीजल इज ऑब्टेंड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज एंड इज इक्वलेंट टू फ्यूल टू डीजल, इट इज मेड फ्रॉम 100% रिन्यूएबल सोर्स है, ट्रेडिशनल डीजल इंजन कैन बी रन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इट कैन बी गुड एंड क्लीन ऑप्शन फॉर अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फ्यूल, इट इज नॉन टैक्सन एंड लेस हार्मफुल फॉर क्रिएचर, बायोडीजल इज नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट लाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स। ये बायोडीजल में आ जाएगा पूरा। अब इसी में इसके एडवांटेज भी हैं, यहाँ से इट कैन बी ए गुड क्लीन ऑप्शन, इट इज नॉन टैक्सिक हार्मफुल, इतना आपको समझ आना चाहिए कि अगर कभी केवल एक दो नंबर के एडवांटेज आ जाएँ तो यहाँ एडवांटेज है, बाकी आप इस पैराग्राफ को एज इट इज़ बायोडीजल फ्यूल के नाम से लिख देंगे। उसके बाद इस वाली लाइन को स्टार मार्क करके, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लगाए हैं बायोडीजल के लिए, तो उसने एक तो बायोफ्यूल मिशन बनाया है और एक बायोफ्यूल अथॉरिटी बनाई है। नेक्स्ट आप एंड डालोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस इतना सा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, तो उसमें दोनों लाइन आ जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हर कोई रिसोर्स इस तरह यूज़ होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सकें, बस इतना सा मतलब है इसका। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेडिंग डाल के आप ये वाली इसमें नोट कर दोगे 2 लाइंस, या आपके रिसोर्सेज यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप एज इट इज हेडिंग डाल दोगे कि लोगों का क्या योगदान है नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में। इस हेडिंग में आप पहले ये लिखोगे कि ह्यूमंस हम किस तरह एक्सप्लोइट कर रहे हैं, किसको, अपने एनवायरनमेंट को या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो आप इसमें एक सब हेडिंग बना लेना, एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन, ये आप इसमें हेडिंग बना के यहाँ से लिखना चालू करना
Man is a social animal. Every society needs a clean environment, health and human life joint with each other. Today, environment is development is the main reason of destruction, which affect all the components of environment. Although water, air and land have all become polluted, yet humans' exploitative and insensible activities still continue. The balance between human development and environment has almost ended. Environmentalists are continually warning. ये मत लिखना आप इसमें. एनवायरमेंटलिस्ट आर्स कंटिन्यूसली वार्निंग वाला पार्ट मत लिखना आप इसमें. यहाँ से लिखना सीधे इफ एंडेड के बाद ये लाइन मत लिखना. सीधे लिखना इफ नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी एक्सप्लोइटेड इन सच वे देन वी विल फेस सीरियस प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ये आप उसमें लिख दोगे कौन सी हेडिंग में. एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरमेंट, एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर, एक्सप्लोइटेशन ऑफ अर्थ, सब में ये पार्ट ये आंसर आ सकता है इस चैप्टर से. मैं आपको हेडिंग में नेचुरल रिसोर्सेज लिखवा रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट कह दे तो आप अलग क्वेश्चन समझ लें. यहाँ बार बार एनवायरनमेंट भी आ रहा है तो इसे हम एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी याद कर सकते हैं. ये इकोलॉजी तक का यहाँ आ जाएगा. उसके बाद आएगी आपकी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहले आप क्रॉस कर देना, पहले जो आपने डलवाई थी ये वाली हेडिंग, आप एक्सप्लोइटेशन वाली हेडिंग के बाद डालना इस हेडिंग को. पहले आप वो हेडिंग कर लेना एक्सप्लोइटेशन. पेट्रोलियम के बाद आप ये हेडिंग कर लेना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद एक्सप्लोइटेशन वाली जो हेडिंग डलवाई थी, एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन, तब यहाँ तक लिख लो इकोलॉजी तक. उसके बाद ये हेडिंग डालना पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. उसके बाद इसमें सीधी पहली हेडिंग आएगी चिपको मूवमेंट. सीधा हम एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि कैसे चिपको मूवमेंट के थ्रू हम लोगों ने अपनी पार्टीशन दिया कंजर्वेशन में. चिपको मूवमेंट इज़ ए प्रोग्रेसिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट इज़ टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन. दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन केजरली विलेज, वेयर अलॉन्ग विद अमृता देवी 363 पीपल ऑफ विष्णु कम्युनिटी हैड सेक्रीफाइस्ड डियर लिव्स फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ ट्रीज. ये इसमें चिपको मूवमेंट में आ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन. इतना आपको लिखना है. उसके बाद ये जो स्टोरी है ये आपको याद करके रखनी है. एग्जाम में इस पर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है पूरा, तो आप यहाँ तक ये स्टोरी लिख दोगे सेक्रीफाइस दियर लिव्स तक. ये हमने इंट्रो में भी पढ़ लिया है, पर वापस ये एक्सप्लेनेशन है. अभी के लिए नहीं लिखना, पिछले इंट्रो के बाद आप सीधे यहाँ से लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके. टुडे ऑल्सो बिश्नोई कम्युनिटी इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ. ये आप वहाँ पूरा हो जाएगा ये चिपको मूवमेंट में. टुडे ऑल्सो बिश्नोई कम्युनिटी इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर चिपको मूवमेंट कम्प्लीट कर देंगे. उसके बाद आप इसी में अलग पैराग्राफ में आफ्टर केजरली 1973 वुमेन ऑफ उत्तराखंड रैन द चिपको मूवमेंट. दिस मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 8 years. इन 1981 द गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द डिफॉरेस्टेशन इन एरियाज अबव 1000 meter हाइट. ये चिपको के बारे में कंप्लीट होएगा. उसके बाद आप लिखोगे एपिको मूवमेंट. नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी अप्पिको मूवमेंट. उसमें ये पैराग्राफ आएगा आफ्टर केजरली सेक्रीफाइस दिस मूवमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट बाई सुंदरलाल. सॉरी, ये लाइन तो ऊपर ही रह जाएगी, सुंदरलाल बहुगुणा की चिपको मूवमेंट की लाइन है ये, तो कि ये जो मूवमेंट है वो किसने आगे लिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने. कौन सा? चिपको मूवमेंट जो है. उसके बाद आएगा आपका अप्पिको मूवमेंट. ये लाइन आपकी चिपको में ही आएगी बहुगुणा वाली. ये अप्पिको मूवमेंट आप लिखोगे तो आप इसमें लिखोगे अप्पिको मूवमेंट इज सिमिलर टू द चिपको मूवमेंट. अप्पिको मूवमेंट इज सिमिलर टू द चिपको मूवमेंट विच हैज़ बीन रन इन कर्नाटका इन द नेम ऑफ अप्पिको. क्या लिखोगे आप इसमें? अप्पिको मूवमेंट इज सेम एज चिपको मूवमेंट विच इतना लिखने के बाद विच तक लिखने के बाद
अब पिको मूवमेंट इज सेम एज चिपको मूवमेंट, उसके बाद आप यहाँ से लिखोगे विच हैज़ बीन रन इन कर्नाटका इन द नेम ऑफ अप्पिको, इट इज़ ए कन्नड़ लैंग्वेज वर्ड हुज मीनिंग इज टू एम्ब्रेस। उसके बाद आप खेजरी ट्री एडिंग डालोगे, खेजरी ट्री, खेजरी ट्री, उसमें आप लिखोगे खेजरी ट्रीज आर नोन एज कल्प वृक्षा इन थार डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, यहाँ तक लिखोगे। और ये वाली लाइन लिखोगे इन 1983 केजरी ट्री वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, केजरी ट्री वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ नोन एज कल्प वृक्ष। फिर लास्ट हेडिंग डालोगे आप प्राइड ऑफ राजस्थान, लास्ट हेडिंग आप डालोगे प्राइड ऑफ राजस्थान। इसमें आप लिखोगे इन द थार डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इट इज़ फेमस फॉर सागवान द प्राइड ऑफ राजस्थान एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सागवान का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आप लिख दोगे थार डेजर्ट ऑफ एरिया राजस्थान इज़ फेमस फॉर सागवान, विच मत लिखना, थार डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इज़ फेमस फॉर सागवान द प्राइड ऑफ राजस्थान, और सागवान का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप इनको कर लीजिएगा आज, कल आपका ये वर्क चेक किया जाएगा।